जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 153 सरकारी प्राइमरी स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं, लटके ताले। हिमाचल प्रदेश में पहली से पांचवी कक्षा के 153 सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में एक भी विद्यार्थी का दाखिला न होने की वजह से ताले लटक गए हैं। जिला शिमला में सबसे अधिक 39, कांगड़ा में 30 और मंडी में ऐसे 26 स्कूल हैं। 10 विद्यार्थियों की संख्या वाले 2100, 6 से 9 बच्चों वाले 1274 और 5 बच्चों वाले 673 स्कूल हैं। शून्य दाखिलों वाले स्कूलों के भविष्य को लेकर सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है। प्रदेश में पेयजल की किल्लत, हिमाचल जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और जल रक्षकों की छुट्टियों पर सरकार ने 5 महीने तक रोक लगा दी है। गर्मियों के मौसम में पेयजल किल्लत ना हो, इसके लिए फैसला लिया गया है। विशेष परिस्थिति में ही इन्हें अवकाश मिलेगा। इसकी सूचना संबंधित अधिकारी और जल संरक्षक को पहले उच्च अधिकारियों को देना होगा। अवकाश मई से सितम्बर तक नहीं मिलेगा। ग्रीष्मकालीन स्कूलों के टाइम में बदलाव, हिमाचल में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, कुछ इलाकों में लू चल रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन स्कूलों के टाइम में बदलाव का निर्णय लिया है। स्कूलों का समय सुबह 7 से 12:30 और 7:30 से 12:50 रहेगा। इस बारे में आज निदेशक हायर एजुकेशन डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सभी शिक्षा उपनिदेशक, प्रिंसिपल और हेडमास्टर को आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल में बड़े धूमधाम से मनाई ईद, देश की अमन शांति की मांगी दुआ। देश के अन्य हिस्सों की तरह हिमाचल में भी ईद उल फितर का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। शिमला शहर की जमा मस्जिद, ईदगाह, लक्कड़ बाजार, कुतुब मस्जिद, बालूगंज, छोटा शिमला मस्जिद, संजोली मस्जिद में हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। लोग सुबह ही ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाहों में इकट्ठे हुए। इस मौके पर लोगों ने खास तौर पर देश में अमन शांति और प्रदेश की खुशहाली, अमन शांति की दुआएं भी मांगी। पीएम मोदी का चंबा दौरा जल्द, एक बिजली परियोजना लागू करके 2 का होगा शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंबा दौरा जल्द होगा। वह एक बिजली परियोजना को लागू करेंगे तो 2 का शिलान्यास करेंगे। हालांकि अभी उनके इस दौरे की तिथि तय नहीं है, वह इसी महीने हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं। चंबा से प्रधानमंत्री चुनावी हुंकार भी भरेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की 2 दिन पहले नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट हुई है। सूत्रों के अनुसार उन्हें इस संबंध में संकेत मिले हैं कि प्रधानमंत्री चंबा आने को तैयार है। शिमला में धूमधाम से मनाई गई परशुराम जयंती, ब्राह्मण सभा के हवन में शहरी विकास मंत्री ने डाली आहुति। देश आज भगवान परशुराम की जयंती मना रहा है। शिमला में परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। ब्राह्मण सभा शिमला द्वारा मिडिल बाजार में परशुराम जयंती मनाई गई, जहां शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में शिरकत की और यज्ञ में आहुति डाली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अपना 6वां अवतार लिया था। आढ़तियों के पास फंसी सेब बागवानों की करोड़ों की पेमेंट, सेब बागवानों ने एपीएमसी एक्ट को लागू करने की उठाई मांग। सेब बागवानों को 3 साल बाद भी मेहनत की कमाई के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आढ़तियों के पास बागवानों की करोड़ों की पेमेंट फंसी है, जिसे दिलाने में सरकार भी नाकाम रही है। बागवानों ने सरकार से मांग की है कि इसके लिए एपीएमसी एक्ट में ठोस प्रावधान किया जाए, ताकि बागवानों को सेब की पेमेंट समय पर मिले। ऐसा न करने पर बागवानों ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सरकार की नाकामी के चलते 4.5 साल के भीतर प्रदेश में 500 स्कूल हुए बंद, प्रदेश प्रवक्ता आप। जयराम सरकार पर आम आदमी पार्टी का हमला लगातार जारी है। इस बार आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आईडी भंडारी ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लचर गई है और मौजूदा भाजपा की जयराम सरकार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बद से बदतर हो गई है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, इसने देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटा है सिकंदर। शिमला राज्यसभा सांसद और पूर्व अध्यक्ष भाजपा प्रदेश एससी मोर्चा डॉक्टर सिकंदर कुमार का ठियोग निर्वाचन क्षेत्र के चेला होली में उनके दौरे के दौरान स्थानीय भाजपा इकाई द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, इसने देश को जाति और धर्म के आधार पर विभाजित किया है और विकास को बाधित किया है। कांग्रेस पार्टी पर उनके साथ साथ उनके सहयोगियों पर 2G बोकोट
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कॉर्पियन सबमरीन सहित कई घोटालों का आरोप लगाया है। राजधानी शिमला में कहर बनकर बरसे ओले, 3 बजे राजधानी में छाया अंधेरा। राजधानी शिमला में मंगलवार को दोपहर बाद बारिश सहित ओले गिरने से रिज मैदान पर अंधेरा हो गया। ओले गिरने से लोग इधर उधर भागने लगे। दिन के 3 बजे ही रात 8 बजे जैसा अंधेरा हो गया। गर्मी से काफी राहत मिलने से सैलानियों के चेहरे खिले हुए, जबकि बागवान काफी परेशान हैं। आसमान से ओले कहर बनकर किसान बागवानों के लिए बरस रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 6 तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में गर्मी से लोगों को निजात मिलने वाली है।